जब भी कोई त्यौहार आता है तो मिठाइयाँ हर घर में बनती है और हम कोशिश करते हैं कि मिठाइयाँ बनाने में कम मेहनत लगे और कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिस्किट कलाकंद की रेसिपी। ये बिस्किट कलाकंद आपको बहुत पसंद आएगा और बनाने में इसमें कोई भी मेहनत नहीं है। तो चलिए आज की मज़ेदार बिस्किट कलाकंद की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्किट कलाकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 पैकेट ओरियो बिस्किट लिया है। यहाँ पे एक बड़ा पैकेट और 3 छोटे पैकेट मैंने यूज़ किए हैं। आप इसमें किसी भी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद है। बस ध्यान रहे कि अगर आप चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, तो मिक्सर जार में इसे अच्छे से ऐसे ग्राइंड कर ले। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर जितना स्मूथ रहेगा मिठाई उतनी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो उसके पहले क्या करना है ना कि ये जो पाउडर हमने बनाया है इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। इसके बाद हमें इसे बाइंड करने के लिए घी या बटर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है। 4 से 5 चम्मच आप इसमें बटर डाल दें। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिला दें। आप चाहिए तो पूरा बटर डाल के इसका जो मिक्सचर है वो ऐसे बांधने वाला बना लें, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच दूध डाल देती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप सिर्फ बटर या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसको यूज़ नहीं करना है तो आप सिर्फ दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने अच्छे से मिला लिया है। थोड़ा सा मिक्सचर लेके हथेलियों पे ऐसे बांध के देख लें कि ये सेट हो रहा है कि नहीं। अगर ये भुरभुरा है तो थोड़ा सा घी या दूध और डाल दें। तो यहाँ पे ये अच्छे से बन रहा है। तो ये हमारा बिस्किट का मिक्सचर बनके तैयार है। अब हम चलते हैं कलाकंद के लिए पनीर के मिक्सचर को रेडी करने के लिए। तो उसके लिए एक बर्तन में आधी छोटी चम्मच घी गरम करें। इसके बाद हम इसमें 1 कप पनीर डाल देंगे। तो पनीर को पहले से कद्दूकस कर लें ताकि इसमें बड़े टुकड़े नहीं रहे। तो यहाँ पर घी में पनीर डाल दिया मैंने और इसके बाद पहले इसे अच्छे से मिला दें घी में, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो जब हम कलाकंद बनाते हैं ना तो ऐसे ही पनीर को ऐसे ही पका लेते हैं थोड़ा, उसके बाद चीनी वगैरह डालते हैं। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे 1/4 कप चीनी डालें, 1 कप पनीर के लिए 1/4 कप चीनी। फिर हम इसमें 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। ये इसमें ऑप्शनल है लेकिन अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें। इसके बाद हम इसमें 1/4 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को डाल के ऐसे अच्छे से मिला दें और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे। मिठाई में इलायची का पाउडर बहुत अच्छा जाता है। तो 1/4 छोटा चम्मच यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल दें और इसके बाद धीमी आंच पे इसे 3 से 4 मिनट तक पका लें। पहले पनीर से मॉइस्चर रिलीज होगा, उसके बाद ये ऐसे ड्राई हो जाएगा। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो यहाँ पे गैस को बंद किया मैंने और इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दें। जब तक ये ठंडा हो रहा है ना तब तक हम यहाँ पे एक प्लेट या फिर ये मिठाई सेट करने वाला मोल्ड ले लेंगे और इसके ऊपर बटर पेपर डाल देंगे। बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल थाली में घी लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से सेट करना है तो बटर पेपर लगाएं। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दें। तो यहाँ पे बस हल्का सा घी से इसे ग्रीस कर देंगे। वैसे बटर पेपर पे घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप घी से उसे ग्रीस कर देंगे ना तो मिठाई अच्छे से निकलेगी। अब ये जो बिस्किट का मिक्सचर है ये देखिए, इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा घी या दूध मिला सकते हैं, और अगर आपका ये मिक्सचर जो है वो थोड़ा गीला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा बिस्किट ग्राइंड करके वापस मिला दें। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बिस्किट को ऐसे सेट कर देंगे। इसके बाद हम इसे हल्के हाथों ऐसे प्रेस कर देंगे, ये देखिए। फिर आप एक ऐसे चपटा स्पैचुला लें और उसे ऐसे शेप दे दें। तो इससे क्या होगा ना, ऊपर की लेयर जो है वो ऐसे स्मूथ हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो हल्का सा प्रेस करके आप इसे ऐसे सेट कर लें। अब हम इसके ऊपर जो दूसरी लेयर लगाएंगे ना वो पनीर की लगाएंगे, जो हमने पनीर को अभी पका के रखा है। तो यहाँ पर ये पनीर रख दें इसके ऊपर। तो जैसे हमने बिस्किट की लेयर लगाई वैसे ही पनीर की लेयर लगा देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैं 3 लेयर वाली मिठाई बना रही हूँ, आप चाहिए तो 2 लेयर की बना सकते हैं, मतलब सिर्फ पनीर और ये बिस्किट वाली। तो यहाँ पे ये पनीर अच्छे से लगा दें और आप इसे चाहिए तो ऐसे सेट कर देंगे ना, तो सेम प्रोसेस में जैसे हमने बिस्किट को किया था वैसे ही ये सेट हो जाएगा। तो ये वाली बर्फ़ी दिखने में भी अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने इसे प्रेस करके सेट कर दिया है। तो अगर आपको 2 कलर की मिठाई चाहिए तो आप इसे ऐसे सेट कर दें, बस इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखना है, उसके बाद काट के निकाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 3 लेयर वाली चाहिए तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों दिखाती हूँ कि अगर आप 2 लेयर की बनाएंगे तो ये मिठाई कैसी दिखेगी, और अगर आपने इसे 3 लेयर का बनाया तो ये मिठाई कैसे दिखेगी। तो यहाँ पर मैंने ये 3 लेयर कर लिया है।
अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। अगर आपको जल्दबाजी है तो आधे घंटा फ्रीजर में रख दें। तो 2 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पे ये जो मिठाई है वो अच्छे से सेट हो गई है, ये देखिए। तो अब हम इसे काट लेते हैं। तो मैं इसे ऐसे बोर्ड पे निकाल लेती हूँ और उसके बाद आप चाहिए तो बटर पेपर निकाल दें या फिर ऐसे ही ये वाला पार्ट ऐसे करके और आप इसे तेज़ नाइफ से कट करें। आप इसे ऐसे स्क्वायर शेप में ही काटें। अगर ये मिठाई थोड़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है तो आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, उससे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप इसे काट सकते हैं। तो ये हमारा बिस्किट का कलाकंद बनके तैयार है। तो अगर मैंने जो बताया ना कि अगर आप 2 कलर में बनाना चाहते हैं तो सिर्फ पनीर और बिस्किट की 1 लेयर बनाएं, और अगर आपको 3 लेयर वाली बनानी है तो ये जो कॉर्नर वाला ये हमने बनाया है ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों दिखाती हूँ, ये देखिए ये सैंडविच जैसा, और ये दिखने में भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और पनीर की स्टफिंग है तो ये टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा, और नहीं तो आप ऐसे सिंपल में भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये हमारी बिस्किट की बर्फी बनके तैयार है। आप चाहिए तो ऐसे बनाएं या फिर ऐसे वाला बनाएं। तो यहाँ पे मैं ये सेंटर वाला पार्ट आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए है ना एकदम प्रोफेशनल दुकान जैसा। तो आप इस बिस्किट और पनीर के कलाकंद की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये मिठाई आपको बहुत पसंद आएगा। तो सर्व करने के लिए आप इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लें। आप इस मिठाई को फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये मिठाई जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो आप इस बिस्किट और पनीर के कलाकंद की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।